अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वजीहास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ वड़ा। आइए देखते हैं वड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी स्प्लिट ब्लैक ग्राम यानी कि माश दाल 500 ग्राम। हमें यहाँ पे माश दाल को अच्छे से वॉश करके इसे एटलीस्ट 6 to 8 आवर के लिए सोक करना है, यानी कि पानी में भिगा कर रखना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही माश दाल को 6 to 8 आवर्स के लिए पानी में भिगा कर रख लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छे से भीगने की वजह से हमारी दाल यहाँ पे फूल चुकी है। ग्रीन चिल्ली पेस्ट 2 to 3 टीस्पून, चॉप्ड करी लीव्स यानी कि करी पत्ता 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट एंड ऑयल फॉर डीप फ्राइंग। आइए हमारे रेसिपी की तरफ चलते हैं। आइए सबसे पहले हम दाल से सारा पानी ड्रेन आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दाल से सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है। आइए अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसका एक थिक पेस्ट रेडी करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप यहाँ पे इसे ग्राइंड ना करें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके आपको इसे ग्राइंड करना है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, बट मेक श्योर है पानी आप बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा ऐड ना करें, बिल्कुल थोड़ा पानी ऐड करके आपको इसे ग्राइंड करना है, क्योंकि आपको एक थिक पेस्ट रेडी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दाल को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करके एक थिक पेस्ट रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह का थिक पेस्ट आपको रेडी करना है। मेक श्योर रहें कि पेस्ट आपका बिल्कुल भी पतला ना हो, वरना आपके वड़े ठीक से नहीं बनेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी सारी दाल को ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है। आइए अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से कवर करके एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स के लिए फर्मेंटेशन के लिए यानी कि खमीर आने के लिए रख देते हैं। आइए 8 to 10 आवर्स के बाद चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुका है, यानी कि खमीर आ चुका है। अच्छे से खमीर आने की वजह से इसकी क्वांटिटी भी थोड़ा सा बढ़ चुकी है। इस तरह से अच्छे से फर्मेंटेशन होने की वजह से आपके वड़े काफ़ी अच्छे क्रिस्पी एंड स्पॉन्जी बनेंगे। आइए अब हमारे अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़े से इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक, ग्रीन चिल्ली पेस्ट 2 टीस्पून, चॉप्ड करी लीव्स। अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई कच्ची प्याज और कच्चा नारियल भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए अब हम इसके वड़े फ्राई करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। आइए देखते हैं, ऑयल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। आइए अब हम इसमें वड़े फ्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाथों को इस तरह से पानी में डिप कर लें और थोड़ा सा वड़ों का मिक्सचर लेके इस तरह से थंब की हेल्प से सेंटर में होल बना लें और इसे ऑयल में डालें। कॉर मेथड से भी आप यहाँ पे वड़े बना सकते हैं। इसके लिए इस तरह से सबसे पहले हाथ पर पानी लगा लें और उसके ऊपर थोड़ा सा वड़ों का मिक्सचर रख कर इस तरह से फ्लैट कर लें और सेंटर में एक होल बना लें और इस तरह से इसे ऑयल में डालें। इन दोनों मेथड्स में से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे, उस मेथड से आप अपने वड़े बना लें। बट मेक श्योर रहें कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ओवरक्राउडेड ना कर दें, बिल्कुल थोड़े थोड़े कर आपको यहाँ पे अपने वड़े फ्राई करने हैं और इन्हें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक फ्राई कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वड़े बिल्कुल परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कलर के यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। आइए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी वड़े हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। आइए अब मैं आपको इन्हें डिश आउट कर बताती हूँ। हमारे वड़े बिल्कुल रेडी हैं। जैसा कि आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे कोकोनट चटनी या सांभर के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। कोकोनट चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।